एक ऐसा होटल जिसमें जाने से हमारे महेंद्र सिंह धोनी भी डरते हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने अपने एक इंटरव्यू में खुद ये चीज कंफर्म की कि उस दिन के बाद महेंद्र सिंह धोनी कभी भी उस होटल में नहीं गए। तो आखिर उस दिन उस होटल में महेंद्र सिंह धोनी के साथ क्या हुआ था, आखिर कैसे हुआ महेंद्र सिंह धोनी को अपना पहला घोस्ट एक्सपीरियंस। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक ऐसे होटल के बारे में जिसमे जाने से शेन वॉटसन, महेंद्र सिंह धोनी और भी बहुत ही बड़े बड़े क्रिकेटर्स डरते हैं। तो जो लोग भी क्रिकेटर्स के फैन है, महेंद्र सिंह धोनी के फैन, इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। किस्सा है 2014 का, जब इंडियन क्रिकेट टीम इंग्लैंड एक सीरीज खेलने गई थी। उस वक्त इंडियन टीम ठहरी थी एक 165 साल पुराने तिलंगम होटल में। एंड यू नो व्हाट, धोनी का रूम नंबर था 333। अब अगर कुछ आर्टिकल्स और रिपोर्ट्स की माने तो ये जो लहंगम होटल है, आप ये जानकर शॉक्ड हो जाएंगे कि ये कोई ऐसा वैसा होटल नहीं है, 5-स्टार होटल है। इसमें सेलिब्रिटीज के साथ साथ मोस्टली क्रिकेटर्स रुकते हैं। आर्टिकल्स के अंदर इस चीज को हाईलाइट करके लिखा गया, लहंगम होटल में जो सबसे हॉन्टेड रूम है वो है 333। तो जब उस रात धोनी अपने रूम में सोने गए तो अचानक से उन्हें बाथरूम से पानी टपकने की आवाज आने लगी। तो जब धोनी बाथरूम में नल को देखने गए तो सारे के सारे नल वहां पर बंद थे। तो धोनी को लगा शायद उन्हें वहम हुआ है। लेकिन जब महेंद्र सिंह धोनी वापस से आकर अपने बेड पर लेटे, फिर से वो आवाज आना शुरू हो गई और इस बार आवाज बहुत ही तेज आ रही थी। और नाउ दिस टाइम महेंद्र सिंह धोनी समझ गए उस रूम में कुछ गड़बड़ है। और इतना ही नहीं, महेंद्र सिंह धोनी ने अपने एक इंटरव्यू में ये भी बताया, उस रात उसी रूम में महेंद्र सिंह धोनी ने एक साय को भी महसूस किया। और महेंद्र सिंह धोनी इतना ज्यादा डर गए कि तुरंत ही उन्होंने रिसेप्शन पर जाकर रूम को चेंज करने को लेकर बोला, पूरी रात उस रूम से बाहर रहे। नेक्स्ट डे उनका रूम चेंज किया गया। उन्होंने ये बात बाकी के टीम मेंबर्स को बताई तो वो लोग उन पर हंसने लगे। उनका ऐसा कहना था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ऐसा ही नहीं, सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी ने ऐसे एक्सपीरियंस किया है, काफी सारे क्रिकेटर्स ने ऐसा क्लेम किया। उन्होंने इस पूरे होटल और रूम नंबर 333 में कुछ बहुत ही क्रीपी एक्सपीरियंस किया। साल 2014 में जब इंग्लैंड के क्रिकेटर स्टुअर्ट ब्रॉड ने इस रूम में स्टे किया था, तब अचानक से उसी रात इन्होंने भी रिसेप्शन पर जाकर रूम चेंज करने की डिमांड की थी। स्टुअर्ट ब्रॉड ने भी ऐसा बताया कि उन्होंने उस रूम के अंदर किसी साय को एक्सपीरियंस किया। स्टुअर्ट का ऐसा कहना था कि अचानक से उनके कमरे का तापमान काफी ज्यादा बढ़ गया था और वो और उनकी गर्लफ्रेंड बहुत ही ज्यादा उस रूम में अनकंफर्टेबल हो रहे थे। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि रेगुलरली उन्हें कोई देख रहा है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था इस होटल में जो ये इतना ज्यादा हॉन्टेड है, और पर्टिकुलरली उस रूम नंबर 333 में ऐसा क्या हुआ था जो आज भी लोग उस रूम में रुकने से डरते हैं। अगर आपको ये मेरी सुनी सुनाई बातें लग रही हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है स्टोरी बनाकर बता रहा है, तो आप गूगल पर इसे सर्च कर सकते हैं। इस होटल के बारे में पूरी दुनिया जानती है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये होटल इतना ज्यादा हॉन्टेड क्यों है। ये बात है और ये वक्त है वर्ल्ड वॉर 2 का। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर जब इस होटल में एक सोल्जर रुकने आया, और वो सोल्जर जिसे पूरी दुनिया जानती है, उसी सोल्जर की वजह से ये होटल का हॉन्टेड होने का किस्सा जुड़ा हुआ है। और जब आप इस होटल की हिस्ट्री जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे।